दोस्तों इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि एक महीने में 10 किलोग्राम वजन बिना सप्लीमेंट के कैसे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों आज हमारा वीडियो उनके लिए है जो बचपन से दुबले पतले हैं और कुछ भी खाने के बावजूद भी वजन नहीं बढ़ रहा है। आज आप लोगों को सुबह से रात तक का पूरा टाइम टेबल बताएंगे कि क्या खाना है, किस समय खाना है और कितना खाना है, कैसे खाना है, क्या नहीं खाना है, ताकि आपका वजन तेजी से ग्रो करे। आपको हजारों आर्टिकल यूट्यूब पर वीडियो मिलेंगे वजन कैसे बढ़ाना है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि हमारा वजन क्यों नहीं बढ़ता, अच्छा खाना खाने के बावजूद भी पतले क्यों रह जाते हैं। आपने बहुत से आर्टिकल वीडियोस देखे हैं, पढ़ा भी होगा कि 5 दिन में 10 किलो वजन बढ़ाएं, 15 दिन में 20 किलो वजन बढ़ाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। नेचुरल तरीके से बिना किसी दवाई के आप 10 दिन में केवल 2 किलो वजन बढ़ा सकते हैं। मेडिसिन और सप्लीमेंट लेने से एक बार हमारा वजन तेजी से बढ़ता है, लेकिन जब हम इसे लेना बंद कर देते हैं तो उतनी ही तेजी से वजन कम हो जाता है, फिर से पहले जैसे दुबले हो जाते हैं। नेचुरल तरीके से बढ़ाया हुआ वजन कभी कम नहीं होता, इसलिए आज इस वीडियो में आपको नेचुरल डाइट प्लान बताएंगे। आप बिना पैसे खर्च किए इसे फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम आपको छोटे छोटे नुस्खे आयुर्वेद के विषयों के बारे में बताएंगे जिनको आप अपने डाइट प्लान में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों हमारा वजन न बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम न करना, क्योंकि जो हम खाते हैं अगर वो अच्छे से नहीं पचेगा तो उस खाने में मौजूद तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन आदि को हजम न कर पाएगा। इससे हम चाहे कुछ भी खा लें हमारा वजन नहीं बढ़ेगा। इस वीडियो में हम आपको डाइट प्लान के अंदर ये बताएंगे जिसकी मदद से आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं। वजन न बढ़ने का दूसरा मुख्य कारण है खाने के साथ पानी पीना या खाने के तुरंत बाद पानी पीना। दोस्तों कुछ लोगों की बहुत गलत आदत होती है कि खाने के साथ पानी पीते हैं। ऐसा करने से शरीर उस खाने से कोई भी पोषक तत्व तो नहीं ले पाता, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उस खाने से हमारे शरीर में 45 मिनट तक रस बनता है। कभी भी खाने के साथ और खाने के 45 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों ये तो थे वजन न बढ़ने के मुख्य कारण। चलिए अब आपको बताते हैं हमारे डाइट चार्ट के बारे में कि आपको क्या खाना है और किस समय खाना है। सबसे पहले आपको सुबह उठने के बाद 1 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है और शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालकर पेट को पूरी तरह से साफ करने में मदद करता है। इसके बाद सुबह 8 बजे एक छोटा सा आयुर्वेदिक नुस्खा लेना है। इसको आयुर्वेद में वजन बढ़ाने के लिए बहुत इफेक्टिव बताया गया है। वो है 50 ग्राम सोयाबीन की दाल और दूध। सिर्फ दो ही चीज लेनी है। दोस्तों सोयाबीन की दाल के अंदर 95% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन की दाल को रात को सोते समय साफ पानी में भिगोकर रख दें और सुबह दूध के साथ चबा चबा कर खा लें। इसके बाद बात आती है ब्रेकफास्ट की, यानी कि नाश्ते की। आपको सुबह 9-9:30 बजे ब्रेकफास्ट करना है। आप 2 हेल्दी पराठे, ऑयली कम हो, आप इसमें ज़्यादा ऑयली पराठे बिल्कुल ना लें। आप इसमें स्नो पराठे का प्रयोग करें जिसमें आलू, गोभी, मूली ज़्यादा हो और ऑयली बिल्कुल कम हो। ब्रेकफास्ट में अगर आप ऑमलेट ले सकते हैं तो और भी अच्छा है। इसके बाद सुबह 11 बजे यानी कि ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे बाद आपने 2 केले का जूस बनाकर पीना है। इसमें अगर आप थोड़े से पैसे खर्च कर सकते हैं तो इसमें 1 चम्मच पीनट बटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब बात आती है लंच की। लंच में आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सलाद आदि का प्रयोग ज़रूर करें। लंच के बाद लगभग 3 बजे के आसपास 1 कटोरी भीगे हुए चने खाएं, क्योंकि दोस्तों भीगे हुए चने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है जो कि हमारा वजन बढ़ाने में बहुत सहायक है। बात कर लेते हैं शाम की। शाम में आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है जो कि बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर की ग्रोथ तभी होगी जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। शाम के समय जब भी आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करने से पहले आपको एक उबला हुआ आलू खाना है, क्योंकि आलू कार्बोहाइड्रेट का खजाना कहा जाता है। बात करते हैं रात के खाने की। दोस्तों रात में आप हल्का खाना खाएं, रोटी, सब्जी या दाल का प्रयोग ज़्यादा करें। इसके बाद रात को सोते समय एक और आयुर्वेदिक नुस्खा अपनाना है। 8 से 10 के लगभग 20 ग्राम काली मुनक्का यानी कि किशमिश लेनी है। 1 चम्मच शहद और 1 ग्लास दूध लेना है। जब आप काली मुनक्का और शहद को मिलाएंगे तो एक ऐसा नुस्खा बन जाएगा जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा और जो भी हम खाना खाएंगे वो हमारे शरीर में बिल्कुल लगने लगेगा।
दोस्तों, अगर आप इस डाइट प्लान को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप ज़्यादा तो नहीं 10 दिन में 2 किलो वज़न आसानी से बढ़ा पाएंगे। और इसमें हमने आपको सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल से समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको इससे जुड़े हुए सवाल अब भी पूछने हैं तो कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे ही वीडियो लगातार पाते रहें। धन्यवाद।